Alright guys, welcome back to the channel. Welcome once again. Oh भाई साहब, बहुत दिनों के बाद अपना बाइक राइडिंग सफ़र चालू होने वाला है गाइस. यस, बहुत दिनों के बाद मैं एक मतलब प्लान कर रहा हूँ, नॉट श्योर, और उसी के लिए मतलब एक जो राइड प्लान कर रहा हूँ उसी के लिए मैंने ये स्टील बर्ड का हेलमेट मतलब ऑर्डर किया है. पहले हेलमेट की स्टोरी पहले बताता हूँ, मतलब कौन सा हेलमेट था और फिर उसके साथ क्या हुआ एंड ये क्यों लिया है, और थंबनेल से इसका मॉडल नंबर वगैरह आपको पता चल गया होगा. ठीक है, तो अभी ओल्ड वाला दिखा तो इसको थोड़ा हटा दीजिए. ये देखो ओल्ड वाला मेरे पास था, स्टील बर्ड एयर, अभी अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. थोड़ा सा साफ करे तो बहुत अच्छा हेलमेट, ऐसा कोई इसमें इशू को छोड़ दो, अभी इसका काम हो गया है. अभी ये ऑर्डर किया स्टील बर्ड एयर फ्लिप अप SBA 7 का, ये सेम मॉडल है, उसी सीरीज में है SBA 7, लेकिन ये फ्लिप अप वाला है और इसमें वाइजर भी है मेरे दोस्त. देखता हूँ, अभी इतनी खुशी हो रही है ना, बाइक का कोई भी सामान आए बहुत खुशी होती है यार, क्या मतलब क्या ही बोलेंगे. अभी देख सकते हो ये रहा अपना न्यू नवेला, और बॉक्स में और कुछ नहीं है भाई साहब. यहाँ पे देख सकते हो बॉक्स दिख रहा है क्या, हाँ बॉक्स में कुछ भी नहीं है. वारंटी वारंटी कार्ड तो रहना चाहिए, पता नहीं क्यों नहीं है. ठीक है, तो अभी इसको करते हैं अनबॉक्स. खुल जा यू, माय गॉड, देख लो भाई साहब, ये है स्टील बर्ड एयर SBA 7 सीरीज का, और ये उसका ये ऊपर का जो है ना, यहाँ से ऐसा करके वेंट अंदर चला जाता है एयर कूलिंग के लिए पैडिंग के अंदर, ये सो दैट आपका मतलब हेड ना थोड़ा सा कूल रहे. यहाँ पे भी वेंटिलेशन है, ये देख रहे हो यहाँ पे भी, लेकिन ये इसका ना मेरा ओल्ड का टूट जाता है, तो इसको ज़्यादा ये मत करिए, मतलब बंद चालू मत करिए, टूट सकता है. ठीक है, और यहाँ से इसको क्लोज़ करना है. यहाँ पे भी एयर वेंटिलेशन है, यहाँ पे भी एयर वेंटिलेशन है, यहाँ पे भी ये देख सकते हो एयर वेंटिलेशन है, ये बंद चालू. तो इसको एक तो चालू रखो नहीं तो बंद रखो, ठीक है, दोनों में से करो. ज़्यादा से ज़्यादा छेड़खानी करोगे तो ख़राब हो सकता है. इसको अपन निकालेंगे अभी नहीं, राइड स्टार्ट होने से पहले निकालेंगे, अभी नहीं निकालेंगे यार इसको. ठीक है, और ये है अंदर से, और मैं बोल रहा था ना आपको कि यहाँ पे वाइज़र है, तो देख सकते हो यहाँ पे वाइज़र है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला वाइज़र, क्योंकि अगर मतलब जैसे समर चल रहा है तो आपके इसको प्रोटेक्शन बहुत अच्छा मिलेगा इससे. ठीक है, ये नहीं बाद में निकालेंगे, और मेन चीज़ तो भाई साहब ये है, दिखाता हूँ. ओह माय गॉड, धूल लग गया यार, नीचे बहुत धूल है मेरे घर में, साफ सफाई तो मैं करता नहीं हूँ. ठीक है, और ये देख सकते हो बटन है ना, इसको अगर प्रेस करोगे तो ये जाएगा फ्लिप अप, इस तरीके से फ्लिप अप होगा. ठीक है, तो अंदर पैडिंग देख सकते हो, एकदम मस्त पैडिंग है, अंदर वाला जो पैडिंग है ना एकदम मस्त, एकदम ग्रिप, और ज़्यादा बड़ा मत लीजिए, और मेड इन इंडिया ओरिजिनल का यहाँ पे स्टिकर भी दिया है, पैडिंग भी बहुत अच्छी तरीके से है. थोड़ा कैमरा में एडजस्ट नहीं हो रहा है मोबाइल में, ठीक है, इट्स ओके. तो देख सकते हो ऐसा है ये पूरा हेलमेट भाई साहब, वाइजर के साथ, और यहाँ पे बैंडिंग देख सकते हो, और यहाँ पे लिखा है मैंने जो साइज़ लिया है ना, यहाँ पे दिख सकता है आपको, ए कहाँ उड़ रहा है भाई, तो यहाँ पे देख सकते हो 580 mm मीडियम साइज़ का है. ठीक है, और यहाँ पे दो पीछे, फिर से ये आगे वाला एयर पीछे से पास होने के लिए वेंटिलेशन, मतलब 1 2 3 4 5 पांच जगह पे पूरा वेंटिलेशन दिया है, 5 और 6, ये वाला 6 जगह पे टोटल वेंटिलेशन है. तो ऐसा है भाई साहब पूरा, बहुत ही मतलब ये प्राइस रेंज में भाई साहब बहुत बढ़िया है. और यार सच में बोलूँ ना, मुझे स्टील बर्ड का खुद एक्सपीरियंस आया है, कितने भी गिर विर के मतलब आप छोटा मोटा गिर गए ना तो भी वो हेलमेट ना मतलब अपना काम करता है. और एक बात सुन लो, हेलमेट ना ज़्यादा लूज़ मत लेना, बिकॉज़ आपके ना नेक पे पूरा झटका आ सकता है, इनकेस खुदा ना खास्ता आप अगर गिर गए तो, गिरना नहीं चाहिए कोई भी भगवान करे, लेकिन आप गिर गए ना तो फिर आपके नेक को ज़्यादा झटका बैठेगा. तो इससे अच्छा तो अपना साइज़ परफेक्ट लो, एक बार आपका जो ये रहता है अमेजोन पे जो ट्यूटोरियल है ना वो देख लो, और एक पूरा सेंटीमीटर का ये टेप लेके ना पूरा मेजरमेंट लेके पूरा प्रॉपरली ये करो. मीडियम साइज़ का जनरली छोटे जो सिर रहते हैं, मेरे जैसे मेरा ज़्यादा बड़ा नहीं है एकदम, तो उसके लिए मीडियम साइज़ ठीक है, और बड़ा साइज़ के लिए लार्ज ठीक है, उससे एक्स लार्ज तो संभाल के लेना कि बहुत बड़ा हो जाएगा, लूज़ ना हो जाए. तो आप
नहीं तो एक काम करो, आप बुला लो, अगर पसंद नहीं आया, साइज़ नहीं आया तो रिटर्न कर लो। फिर अपनी पब्लिक है, सच्चाई अपने पब्लिक को बताना चाहिए, ठीक है? ऐसा ही करता हूँ मैं, टेंशन मत लो, सब लोग करते हैं। अगर नहीं पसंद आया, नहीं फिट हो रहा है तो रिटर्न करो, ठीक है? नीचे डिस्क्रिप्शन पे इसका लिंक है, और भी बाइक्स के सारे जो एक्सेसरीज मैं यूज़ करता हूँ, फॉर एग्जांपल, और सारे एक्सेसरीज बजट फ्रेंडली एंड A1 क्वालिटी के। ऐसा नहीं है क्वालिटी बकवास है, बजट फ्रेंडली हेलमेट है। और भी आगे बताऊँगा, ये देखो ब्रो, प्रो राइडर के मैंने ये ना ये क्या बोलते हैं ग्लव्स ऑर्डर किए, ये भी 3 साल हो गए यूज़ कर रहा हूँ, बहुत अच्छे क्वालिटी के, मतलब एकदम राइनॉक्स जैसे नहीं है, लेकिन ठीक है, आपका छोटा मोटा एक्सीडेंट में तो ये अच्छे तरीके से आपको बचाएंगे आपके हाथ को, ठीक है? इसका भी अगर आपको चाहिए तो मुझे बता दो। और ये राइनॉक्स का बैग, ये देखो राइनॉक्स का बैग, इसको भी लगभग कितना साल हो गया, 2 साल हो गया है, अब भी 2 साल हुआ है। इसका भी अनबॉक्सिंग आप देख सकते हो चैनल पे, तो देख सकते हो भाई, ये हेलमेट है लगभग, मतलब 1400-1700-500 के रेंज में है। इसमें ना वाइजर भी आता है, स्टर्ट्स के जो स्टर्ट्स वगैरह के है, स्टर्ट्स वेगा के जो हेलमेट है ना, मतलब हेलमेट में अभी 2-3 ही कंपनी अच्छे है, स्टर्ट्स है, वेगा है, रॉयल एनफील्ड के भी अच्छे हेलमेट में बोलता हूँ, बहुत दोस्त यूज़ कर रहे हैं, तो रॉयल एनफील्ड के अच्छे है, और एक है स्टील बर्ड। तो स्टील बर्ड मतलब मैं पहले से यूज़ कर रहा हूँ ना, तो मुझे इसका प्रोडक्ट्स अच्छे लगते हैं, मेड इन इंडिया है। और यही अगर आपको फ्लिप अप वाले चाहिए तो 1200 में भी मिलेंगे, जो वेगा और स्टर्ट्स के रहेंगे, लेकिन उसमें वाइजर नहीं मिलेगा आपको, तो ये 1500 के रेंज में। मेरे अकॉर्डिंग दिस इज़ द बेस्ट हेलमेट, मतलब ये रेंज में ना बेस्ट है भाई, इससे अलावा दूसरा कोई नहीं है। वाइज़र के साथ आता है, सनवाइज़र के साथ, ठीक है? मतलब ये जो सनस्क्रीन प्रोटेक्शन है उसके साथ आता है, वाइज़र तो ये रहा, तो ये मतलब 1500 के रेंज में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। और अमेज़ॉन पे अभी सेल चल रहा है, 2000 प्राइस रहती है, 2-2.5 तक चली जाती है, अभी 1500 में मिल रहा है। जाके जल्दी से नीचे डिस्क्रिप्शन से लिंक से आप क्लिक करके ना परचेस कर सकते हो, ठीक है? ISMR के प्रोटेक्शन भी अच्छा है, और मेरा रियल टाइम मतलब आपको ये पहला भी जो हेलमेट वो 1200 वाला दिखाया आपको, सिंपल वाला SBA 7 Air, तो फ्लिप वाला नहीं है, सिंपल वाला है, तो उसका भी मुझे एक्सपीरियंस आया, कितने बार गिरा है कहीं से भी। एक बार तो स्टेयर केस से पूरा नीचे गिर गया था, तो भी कुछ नहीं हुआ, स्क्रैचेस आए बस। और मैंने ना इसके साथ आपको मतलब इसके साथ मैंने ओल्ड वाइप मतलब ओल्ड जो है उसका ना स्क्रैचेस आ गया है, तो मैंने स्टील बट का वाइज़र भी एक ऑर्डर कर दिया है। ये लगभग कितने का है, ये लगभग 350-350 के आसपास है शायद से, तो इसके स्टील बट के आपको वाइज़र भी मिलेंगे, इनके हिसाब से वाइज़र ख़राब होते हैं। तो ऐसा है पूरा ये हेलमेट, अगर पसंद आया ना तो भाई साहब लाइक करना मत, ठीक है? चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए एज यूजुअल जय हिंद, वंदे मातरम।